Hi you guys, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are well, you are doing fine. And आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे. So I just thought this time कि why not I should share you things which I love, and this is going to be my July favorite. I'm going to start this series of my monthly favorite products. जो भी मुझे particular month में मैंने लिया है and मुझे वो बहुत अच्छा लगा है, तो आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू दैट थिंग्स. इट्स नॉट ओनली फॉर स्पेसिफिक ब्रांड की, मैं एक ही ब्रांड के बारे में बात कर रही हूँ. या सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक रिलेटेड टू स्किन केयर, मेकअप और एनीथिंग लाइक दैट स्टफ नॉर्मली. और एल्स अगर कुछ मुझे किचन यूटेंसिल्स या मुझे ऐसे टूल्स भी अगर मिलते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी इन दिस फेवरेट सेशंस. ओके, सो जुलाई के मंथ में जो मुझे चीज़ें पसंद थी दैट इज कोई बहुत हाई फाई ब्रांड नहीं है, बहुत ही नॉर्मल ब्रांड है, बहुत नॉर्मल प्राइजिंग है. सो दिस इज लाइक आई गेस सभी प्रोडक्ट इसमें है जो 500 ऑलमोस्ट 600 के नीचे हैं, तो 600 के ऊपर शायद आपको कुछ नहीं मिलेगा. या करेक्ट, सो 600 के ऊपर कुछ नहीं है. या सो इंट्रो बहुत बड़ा हो गया, सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्टिंग विथ द स्किन केयर प्रोडक्ट्स, आई हैव गॉट दिस टी ट्री बॉडी वॉश फ्रॉम सेंट डेविन्स. दिस इज यूकेलिप्टस ऑयल, टी ट्री ऑयल एंड पेपरमिंट ऑयल इनकॉर्पोरेटेड बॉडी वॉश, एंड दिस इज सल्फेट फ्री. सो मैंने ये फैब बैग में आई गेस मई के मंथ में जब मैंने मंगाया था तो उसमें मुझे ये मिला था, एंड तब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा अभी तक. सो आई एम थिंकिंग कि मैं इसका एक बड़ा वाला अब ऑर्डर कर लूँ, बिकॉज दिस वॉज एन एक्सपेरिमेंट. तो ये मेरा बहुत अभी तक के फेवरेट है, तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू बाय, एंड आई एम रिकमेंडिंग दिस थिंग टू यू ऑल बिकॉज आई लव दिस थिंग. सो सेकेंड थिंग इज़ गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड विटामिन ई का एज डिफाइनिंग सीरम. मैंने शायद तक के जब गुड वाइब्स का हॉल किया था तब मैंने ये स्पेसिफाई किया था कि मैंने ये ऑयल लिया है, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज ये थोड़ा ऑयली है. मतलब आपको चिपचिप फील कराता है, बट उसके बाद जो आपके चेहरे पे ग्लो आता है, ओ माय गॉड, दिस इज़ वर्थ एवरी पेनी. दिस इज़ फॉर 225 रुपीज़, बट पर्पल में आप जब भी इसको शॉप करेंगे आपको हमेशा ये कुछ 190 अराउंड 200 तक ही मिल जाएगा ये पर्टिकुलर गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड सीरम, बट वही है जो मुझे इसका एक चीज़ नहीं अच्छा लगता, इस लाइक इसका एक बहुत पिक्यूलर स्मेल है जो मुझे नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है. सो आई एम जस्ट लाइक एकदम नाक बंद कर करके लगा लो और उसके बाद फिर फटफट लगा लो, दैट्स इट, खत्म. सो दिस इज़ इफ थोड़ा स्मेल अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो ठीक, अदरवाइज दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट. सो या द थर्ड वन इज़ फ्रॉम जस्ट हर्ब्स, दिस इज़ देयर लाइवली क्लीन हनी एक्सफोलिएटिंग फेस क्लेंजिंग जेल. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू शेयर द रिव्यू फॉर जस्ट हर्ब्स के. मैंने स्किन टिंट मंगाए थे तो उसमें मुझे ये फ्री मिला था, ये छोटू. सो मैंने इसे यूज़ किया और ये बहुत 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 अच्छा एक्सफोलिएटर है. इट्स फॉर यू नो ऑयली एंड कॉम्बिनेशन फेस बोथ. सो या आई एम गोइंग टू रिकमेंड दिस एक्सफोलिएटर टू एवरी वन जिनको माइल्ड चीज़ें, जेंटल चीज़ें लगाना पसंद है फेस पे, एंड जो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं. सो ये भी मुझे उसमें मिला था, सो आई गेस इसका प्राइस है 165. सो या ये 165 है. मुझे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट फैब बैग में मिल गए थे, तो उसमें से एक और एक ये था द ऑल नेचुरल कंपनी का एलोवेरा जेल. इट्स प्योर एलोवेरा जेल, 50 ग्राम्स मिलता है आपको, एंड टू बी प्रिसाइज ये इतना ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइज़र जैसा काम करता है, बिकॉज इसको आप एकदम इतना सा भी लेकर आप इसे एकदम थोड़ा सा ले लीजिए अपने हाथ में, एंड ये इतना ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है आपकी स्किन में. सो आई लव दिस एलोवेरा जेल बिकॉज पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, बट दिस इतना छोटा सा बॉक्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव अगर देखा जाए तो. आई गेस दिस इज़ फॉर 400, 399 के हिसाब से बॉक्स काफ़ी छोटा है, और मतलब द पैकेजिंग इज़ नॉट दैट ग्रेट बिकॉज ये पूरा प्लास्टिक बॉडी है. ठीक है, सो
आई डोंट नो ये क्या सोच के इतना एक्सपेंसिव है. हाँ ठीक है नेचुरल है, इट्स ऑल गुड, बट द पैकेजिंग इज नॉट दैट ग्रेट. सो या दिस इज एंड देर इज नो फ्रेगरेंस एंड नो कलर इन दिस. सो दिस इज अ वेरी नो प्रिजर्वेटिव काइंड ऑफ वाला मॉइस्चराइजर और एलोवेरा जेल. इफ यू वॉन्ट टू हैव योर हैंड्स ऑन सो यू कैन गो फॉर इट. सो अब इसका कलर भी देख सकते हो, इट्स वाइट. सो या इट दैट वॉज माई फोर्थ प्रोडक्ट. द फिफ्थ वन इज अगेन फ्रॉम मामा अर्थ का बाय बाय ब्लेमिशिंग फेस क्रीम. इट्स विद मलबेरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी. सो यू ऑल नो कि ठीक है मेरा माई लव फॉर मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स इज लाइक नेवर एंडिंग. सो दिस इज द वन. मेरे पास इससे पहले जो था वो मेरा एक्चुअली पूरा ख़त्म हो गया था. तो मैंने सोचा था कि यार लेट्स सी मैं इस टाइम पे ये वाला ट्राई करके देखती हूँ, बिकॉज दैट वाज अ सीरम, दैट वाज अ फेस सीरम. और आई थिंक मैं उसे वापस से रिपर्चेस करूँगी, बिकॉज उसके जैसा मुझे क्रीम बेस में सीरम कोई ब्रांड में अभी तक नहीं मिला. जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ मुझे वैसा सीरम नहीं मिला है. सो आई एम गोइंग टू रीपर्चेज दैट फॉर श्योर. बट तब तक के लिए इफ़ यू हैव दिस ब्लेमिशेस एंड यू वॉन्ट टू अप्लाई समथिंग विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट आप डेली लगा सकते हैं. सो दिस इज़ द वन. इट्स रिटेलिंग प्राइस इज़ 449. इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव जितना छोटा पैकेजिंग है ये उसके हिसाब से. बट अगेन इसमें दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप, मिनरल ऑयल एंड पैराबिन फ्री विथ बायो एक्टिव्स और सूट्स ऑल स्किन टाइप. सो या कोई भी से लगा सकता है इफ़ यू हैव गॉट दिस ब्लेमिशेस वाला सिनेरियो. तो एंड जनरली मम्मी लोगों को लगता है सो ये मैं और मम्मी दोनों यूज़ कर लेते हैं. तो ऐसा है. द सिक्स्थ प्रोडक्ट इज द रोल ऑन. मतलब मुझे रोल ऑन लगाना पर्सनली पसंद है, बिकॉज लाइक डीओ परफ्यूम लगाने के अलावा मुझे लाइक आई वॉन्ट टू स्मेल गुड डेली एंड ऑन अ वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि कुछ भी चीज़ तब का तब लगाओ, बस तब बहुत खुशबू आ रहा उसके बाद बूम गायब. दिस इज़ बाई फार द बेस्ट रोल ऑन. बेस्ट बिकॉज ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत. क्योंकि इससे पहले भी मैंने शायद तक के डव का एलो का आपको बताया था, ग्रीन टी एंड एलोवेरा, विच इज़ गुड. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग यू नो बैड फॉर दैट प्रोडक्ट, बट आई गेस मुझे वो दो बार ही लगाना पड़ता ही है. मतलब अगर मैं कहीं बाहर हूँ और अगर मैं बहुत स्वेटी हो गई हूँ तो मुझे ही नहीं लगता कि वो ज़्यादा टाइम तक उसका फ्रेगरेंस रहता है. बट दिस टीनी मीनी दिस इज़ द बेस्ट, बिकॉज इसमें यू नो आप जब तक घर नहीं आते, जब तक आप वापस शावर नहीं लेते, आपको तब तक ही खुशबू आएगा. सो दिस इज़ माई लाइक दी मोस्ट फेवरेट रोल ऑन डिओड्रेंट. सो दिस इज 48 आवर प्रोटेक्शन अल्कोहल स्मूद एंड ब्यूटिफुल अंडर आर्म डिओड्रेंट. ओके सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई एम गोइंग टू कम फॉर द मेकअप वाला सेक्शन, जिसमें आई हैव गॉट टू प्रोडक्ट्स. एक बहुत स्ट्रेंज थिंग है कि मेरे पास ये अराउंड 1.5 साल से है. दिस इज NYX का HD स्टूडियो फोटोजेनिक स्टूडियो कंसीलर करेक्टर. ओके और मैंने आज तक के कभी शायद इसे ढंग से यूज़ नहीं किया था, इसे मुझे पसंद नहीं आता था. गॉड नोज क्या होता था कि मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया. मैंने एक दो बार यूज़ किया, मुझे लगा ना ये मेरे टाइप का नहीं है. तो इफ़ यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियोज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं देन यू वुड नो दिस थिंग कि मैं मेबलिन के कंसीलर्स कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ और दूसरा एलेगर्ल. तो दिस वॉज द थर्ड कंसीलर विच आई हैड बट नेवर यूज. सो आई एम द कलर बेज. दिस इज लाइक सो गुड बट ये एक्सपेंसिव है थोड़ा. आई एम नॉट श्योर कि अभी इसका प्राइस कितना है, बट मैं अभी इस महीने से इसे लगाना चालू कर रही हूँ तो इसलिए मैंने मेरे जुलाई फेवरेट में से डाला है. बट आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक बिलो. बट ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, इसमें इसका प्राइस नहीं दिया हुआ यार. बट अभी नायका का सेल चल रहा है एंड द लास्ट थिंग विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस एंड शेयर विद यू पीपल वॉज नायका में भी सेल चालू है, द हॉट पिंक सेल. आई वॉन्ट यू ऑल गाइज टू गो एंड चेकआउट. बहुत ही फ्रीकिंग डिस्काउंट्स चल रहे हैं. मैंने काफ़ी कुछ ऑर्डर कर लिया मजाक में, बट या मेरे से रहा नहीं जा रहा था. ये भी ले लो बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो एवरीथिंग टू यू गाइज कि अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ अच्छा लगता है तो यू कैन हैव योर हैंड्स ऑन. ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत चीज़ें तो ना हम लोग अगर पर्सनली कभी यूज़ नहीं करते हैं तो हम लोग लगता है पता नहीं यार ये कैसा होगा, अच्छा होगा नहीं होगा. सो
ये एक रीज़न है जो मैंने बहुत कुछ ऑर्डर कर लिया, बट आई डोंट रिग्रेट, बट स्टिल ठीक है. सो दिस वॉज द लास्ट सेकेंड प्रोडक्ट, एंड द लास्ट प्रोडक्ट वॉज अगेन फ्रॉम नायका. इट्स देयर गर्ल बॉस लिप पैलेट. सो इसमें आप देख सकते हैं इट्स मूव पिंक के रेंज का काफ़ी सारे शेड्स है, जिसमें से मैंने एक पिंक कभी लगाया भी है, बट इसमें आपको और भी तीन और शेड्स मिलते हैं. सो दिस इज़ लाइक 350 में 6 शेड्स मिल रहे हैं आपको. सो लाइक वॉट एल्स यू वॉन्ट. इट्स अ स्टील बेसिकली, बिकॉज नायका के लिपस्टिक्स आर गुड, दे आर रियली वेरी गुड, बट ऐसा नहीं है कि लॉन्ग लास्टिंग है. यू हैव टू अप्लाई इट अगेन एंड अगेन जब भी आपका लिपस्टिक थोड़ा बहुत भी निकल जाता है, बट यू आर गेटिंग 6 शेड यार, और 350 में 6 शेड, आई थिंक इट्स अ गुड बाय. सो इफ़ यू कैन अप्लाई लिपस्टिक अगेन एंड अगेन, अगर आपको If it's comfortable with you, then you can go for that product, because ये भी शायद तक बहुत 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 डिस्काउंट में मिल जाएगा आपको. आई गेस 250 में भी मिल सकता है और 300 अराउंड मैंने देखा था, बट आई एम नॉट श्योर विद द प्राइजिंग. बट आई एम गोइंग टू लिंक एवरी प्रोडक्ट का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो दैट अगर आपको इसमें से कुछ भी चीज़ लेना हो तो यू कैन. एंड ये चीज़ें जो मुझे और भी मोटिवेट करती हैं आपके लिए हर हफ्ते नए वीडियोज़ बनाने के लिए, एंड आई होप कि आपको ये सब यूज़फुल लगे. और अगर इफ़ यू वॉन्ट एनी थिंग कि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करिए या प्लीज़ मुझे DM करिए. मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं वो हर एक वीडियो जो आप पर्सनली चाहते हैं मैं आप सबके लिए करूँ, वो मैं कर पाऊँ. एंड या अंटिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, आई लव यू ऑल.